नजर आ रही है ये, इसको हम एब्डोमिनल वेन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? एब्डोमिनल, ये जितने भी विसरल पार्ट्स हैं ये उनकी तरफ जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके और ये डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा के साथ जुड़ी होती है। और इन्फीरियर वेना केवा का काम क्या है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे? हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, हमने गौर करना है सब इंटरनल पार्ट्स पे। मैं इसके मसल्स भी कट करने लगा हूँ ताकि ये फैल जाए, लेकिन साथ हमने इस चीज़ का ख्याल करना है कि हम किसी इंटरनल ऑर्गन को कट ना करें, ठीक है। अब ज़रा इधर देखें, ठीक है, नज़र आ रहे हैं आपको? अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें देखते हैं, आप एक चीज़ पे अगर गौर करें, सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी प्रिसाइज मैनर में पड़ी हुई हैं। उसकी भी एक रीज़न है, उसके पीछे भी एक क्वेश्चन है कि ये किस तरह से सारी इंटेस्टाइन वगैरह जो है वो एक प्रिसाइज मैनर में यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो वन बाय वन इनके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। डाइसेक्शन हमने इसकी कर लिया है, अब देखते हैं। पास सबसे पहले यहाँ पे वो है हार्ट, ठीक है जी। हार्ट का फंक्शन हमें पता है क्या है? ये पंपिंग ऑफ ब्लड। अच्छा इधर देखें, हार्ट के नीचे यहाँ पे हमें एओर्टा नजर आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगी? ये ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाएगी। फिर ये हमारे पास हार्ट है, ये हमें राइट लंग नजर आ रहा है, और ये हार्ट के इस तरफ मुझे लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग इधर नजर आ रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट लंग है इसका, और ये राइट लंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स? दैट आर इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेशन, दैट आर इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किडनीज, ठीक है। लंग्स का काम क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करना, गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज। अच्छा ये इनका लीवर है, ठीक है। अच्छा लीवर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं लीवर को, लीवर का फंक्शन आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में काफी फंक्शन इसके पढ़े हैं, कोई एक दो फंक्शन, रेड ब्लड सेल्स बनाना, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, हार्मफुल केमिकल्स, बहुत से इसके फंक्शन हमने पढ़े हैं। अब मैं इसको उल्टा करने लगा हूँ, लीवर को इसकी पोजीशन को चेंज करने लगा हूँ, तो ये देखें इस लीवर के नीचे यहाँ पे मुझे क्या नजर आया है? एक गॉल ब्लैडर, दैट इज ग्रीनिश इन कलर, ठीक है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? बाइल, जो कि लीवर के अंदर बनती है। एंड व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ बाइल? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। मैंने आपको बताया था कि ये चीजें आपने याद करनी है, आगे चल के हमने यूज करनी है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अच्छा अब इसके बाद हम देखते हैं, ये लीवर है, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के नीचे यहाँ पे मुझे छोटी सी डक्ट्स नजर आ रही हैं जो लीवर के साथ अटैच है, और पीछे जाके ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होंगी। क्लियर हो गया? अब ये क्या है? इसका स्टमक, ठीक है। स्टमक को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसकी पोजीशन को, तो स्टमक के बिल्कुल नीचे मुझे यहाँ पे एक और ऑर्गन नजर आ गया छोटा सा, ये इसकी स्प्लीन है। क्या है? स्प्लीन, ये स्प्लीन है। अच्छा स्प्लीन का फंक्शन जो है वो क्या होता है? इसके अंदर रेड ब्लड जो सॉरी इसके अंदर जो हमारे इम्यून बॉडी के सेल्स होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के साथ ये जुड़ा होता है, ठीक। तो इसके काफ़ी डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे अभी क्या करना है, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सपोज करना है। ये लार्ज इंटेस्टाइन नजर आ रही है मुझे, अभी मैं लार्ज इंटेस्टाइन को उठाऊंगा तो इसके नीचे से मुझे मेम्ब्रेन्स नजर आएंगी कुछ, वो मेम्ब्रेन्स का नाम है मेसेंटरीज। और मैंने आपको बोला कि ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक प्रीसाइज मैनर में यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, उसकी रीजन ये है कि बेसिकली इनके अंदर वो जो मेसेंटरीज हैं उन्होंने इन तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को क्या किया हुआ है? आपस में पकड़ के रखा हुआ है, तो उस वजह से ये मूव नहीं कर पाएंगे। नो डाउट कि बॉडी कैविटी भी बहुत कम है, लेकिन मेन जो इनको आपस में होल्ड करके रखती हैं वो है मेसेंटरीज। ये देखिएगा जरा, ये नजर आई है आपको? ये मेम्ब्रेन्स, समझ आ गई? दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड मेसेंटरीज, ठीक है, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में है। अब मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये है हमारे पास, ये बेसिकली इनका फीकल मैटर है। क्या है? फीकल मैटर, फीसिस, ठीक है, ये पैलेट्स हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि काफ़ी कनेक्टिव, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा जो ना अभी मुश्किल है, हम इसको अलहदा करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो बिल्कुल स्टमक के साथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है जी डोडिनम, फिर आगे उसके जेजुनम 2.4 मीटर ह्यूमन के केस में, और उसके आगे सबसे लास्ट वाली है इलियम, इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस।
फिर उसके बाद जो है वो सेकम और ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है, सेकम फिर कॉलन फिर रेक्टम, लास्ट पे यहाँ पे इस जगह पे रेक्टम मौजूद होगा। अच्छा ये हमें नजर आ गया, देखें ऑटोमेटिकली लेफ्ट किडनी इसकी एक्सपोज हुई है, ये क्या है लेफ्ट किडनी, ठीक है। इस साइड पे जो है वो हमें इसकी ये देखें इधर, यहाँ पे इसकी ये राइट किडनी पड़ी हुई है।